we are basically into publications, exhibitions, या यूँ कहें कि हम information के business में हैं. Knowledge sharing, knowledge लेना, knowledge को locate करना और knowledge को सही लोगों तक सही अंदाज में पहुँचा देना, ताकि वो knowledge useful सके, लोग उसे इस्तेमाल कर सकें उस information को, ये हमारा business है. कैसे फूलों को उगाना है, कैसे पैक करना है, क्या देकर फूल ज़्यादा आएंगे, किस मार्केट में बेचा जा सकता है, बेचने के लिए क्या कंडीशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बिखरी पड़ी थी हमने उसको जमा करके फ्लोरिकल्चर टुडे नाम की पत्रिका में पब्लिश करना शुरू किया. जब 10 साल हमारी मैगजीन को हुए तो 10वें साल में हमें लगा कि अब इसको कागजी इन्फॉर्मेशन से उठाकर इसे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की लाने की ज़रूरत है, और वहाँ कॉन्सेप्ट हुआ फ्लोरा एक्सपो का. मेरे हाथ में जीवित प्लांट है, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. जिस तरह से इन्होंने ये बनाकर मुझे तोहफे में पेश किया, सुबह सुबह मुझे गिफ्ट दी, हरियाली की बात की, अच्छा लगा. बस जहर कम फैलाएं और बच्चों को संभालें, और तो कुछ नहीं है. आज बोलते हैं कि पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गाँव में, पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गाँव में, धूप बहुत है कहकर बैठ गए उसी की छाँव में. तो अपने इसको संभाले और अपने आप को संभाले, धंधा तो करें मगर उसके चक्कर में अपने ईमान को ना भेज दे. जब हम इस शो को ऑर्गेनाइज करने जाते हैं तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कि कैसे हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, नर्सरी मैन, इन सबको एजुकेट कर सकते हैं कि वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हम कैसे अपने प्रोड्यूस को वर्ल्ड मार्केट में ले जा सकते हैं. तो उसको टैप करने के लिए जो हमारा टारगेट होता है वो सारे इंडिया के ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन कंपनीज होती हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल एंड सीड्स कंपनीज हैं, टिश्यू कल्चर कंपनीज हैं, वो हमारे शो में आती हैं और अपनी वैरायटीज, अपने प्रोडक्ट्स, अपने इनोवेशंस डिस्प्ले करती हैं. जिसका अभिज्ञान प्रकाश जो NDTV के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो उसके चीफ गेस्ट हैं, और उन्होंने जब इस शो को देखा तो यू आर सरप्राइज के इस लेवल पर भी एक शो हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट, ग्रीनरी और फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए काम कर रहा है. My overall reaction is of absolute surprise, because we struggle to find plants, we struggle to find things when we go out to buy them for our house. Our knowledge base is very poor. We have little understanding of the kind of plants we should put, or of what Mr. Naqvi has been suggesting, to put vertical layers of plants for better oxygen. We all know that cities like Delhi, which is the country's capital, is completely plagued by problems like pollution. Plants are a huge answer to them, only if you put the right plant. So this is unbelievable, the amount of research going into this, the amount of good work going into this, the varieties which are being cultivated in India itself, being bought from outside India. I think it's fascinating. I think people should get more to know of what is the kind of plants they should put in their house, both from the sense of beautification, I love plants, I'm a green lover always, and also from the point of view of cleaner air.
more clean air. So I think it's fantastic. नैन्सी लॉज नाम की यूनाइटेड नेशन की तरफ से आने वाली एक्सपर्ट जिसने कहा था कि अगर कोई देश फूलों के व्यवसाय में एक्सपर्ट हो जाए तो वो फिर हर व्यवसाय में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज़ में ऐसा है जैसे कि एक सुपर हाईवे बन गया है। अगर उस पर सुपर हाईवे पर आपने कोई चीज़ दौड़ा सकते हैं तो उस पर बैलगाड़ी भी चल सकती है, उस पर ट्रैक्टर भी चल पाएगा, उस पर कार भी चल पाएगी, सब कुछ चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा। इस कॉन्सेप्ट में फार्मर्स आए, बहुत एक्साइटेड थे ये सोच करके लिलियम जैसा फूल जो इंपोर्ट होता था वो यहाँ उग सकता है, रोजेज जिसको सोचते थे डच रोज के अलावा एम्स्टर्डम के अलावा कहीं उग ही नहीं सकते, हिंदुस्तान में उगने शुरू हुए। जरबेराज, लिलियम, कार्नेशंस, सारे के सारे फूलों की खेती भारत में शुरू हुई। आज वो पेड़ जो हमने सन 2008 में प्रगति मैदान से शुरू किया था, आज फलते फूलते दो लोकेशन बंगलौर और पुणे में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधों की शक्ल में फैल गया है। साथ ही साथ जब फार्मर कोई चीज़ उगाता है उसमें वेस्टेज भी होती है, ग्रीनरी भी होती है, तो क्यों ना हमने साथ में फार्मर्स को ये भी बताया कि आप साथ ही साथ एक डेयरी फार्म भी चला सकते हैं, आप पोल्ट्री भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये छोटी छोटी मल्टीपल एग्जीबिशंस लॉन्च होते होते आज एक बेइंतहा बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस एग्जीबिशंस जो एग्रीटेक और फूड एक्स कॉम्बिनेशन बेंगलोर में कहलाता है, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एग्री बिजनेस एक्सपोजिशन। फार्मर्स के अलावा जनरल पब्लिक और जो लोग शहरों में रह रहे हैं, बहुत तेज़ी से एनवायरनमेंट के इश्यूज़ वो लोग फेस कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बायर सेलर मीट्स करते हैं, डिफरेंट टेक्निकल वर्कशॉप्स होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनको लाइव डिस्प्ले कैसे आप अपनी बालकनी में अपने घर के आसपास कैसे एनवायरनमेंट को ग्रीन रख सकते हैं, कैसे ताज़ी हवा ले सकते हैं, उसके लिए जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं पॉट फॉर्म में, ग्रोइंग बेड्स फॉर्म में, वो सब वहाँ डिस्प्ले होते हैं। हम डिफरेंट डिजिटल मीडिया, फेसबुक और डीडी किसान के थ्रू सब लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि वो आएँ, देखें कि उनका फ्यूचर कैसे ग्रीन हो सकता है। Event we are participating since last 13 years. That is the first event we participated in Delhi. It gives us a lot of opportunity to come with the customer to expose ourselves. This is the second year that I am taking part of this exhibition. This exhibition become every year more professional. It's excellent and opportunity for the industry to make one step ahead in promoting our material, because we need to promote it in all India. We deal in tissue culture labs and production of young plants for indoor ornamentals. We have around 300 varieties of plants in indoor. Here we are exhibiting our vertical gardens and some samples for tissue culture plants. We are doing this show from 3 years now, and it has been an excellent show. This has created a good platform for us. The show is the only platform in India right now at this level. This is the best place where we can exhibit our products on a trade fair kind of a platform. It's a nice platform to meet the industry. We all researchers always work in isolation. And media today and is the only platform which has created to bring all the different experts on one platform.
we are getting opportunity to see many type of growers and new growers also. Already the people growing some other crops, they are seeing our stalls, so they get the idea, oh, this type of crops are there, why can't we go this type of crops? It will be really very useful for all farming sector. एग्जीबिशन में ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, फॉरेन में भी आ रहे हैं, तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी लाते हैं, हर साल हम नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमको कस्टमर को रीच होने के लिए ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होती है, इसलिए हम हर साल ऐसे लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट and one can get a holistic view of what is all about gardening or agriculture, so that's a good thing. And it's a nice exhibition, I think we should have it more often in different cities and we should add more things. A flower and plant industry, looking at the farmers, it is really great. And really it has been inspired that we should work much more in India, and it is possible to do much more great innovative work in India regarding this industry for flower and plant. हमारा जो स्पेशलिटी है, हम सेल्फ वाटरिंग पॉट बनाते हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और बहुत ज़्यादा क्वेरी आया है हमें पूरा इंडिया से। People are unaware of what is going in the market. So when they see this product, they really feel that the market is changing and new varieties are available in this market. We get an opportunity wherein we can increase our sales from here. मैंने 10 साल से participate कर रहा हूँ. The people all over the world आज आके इधर visit कर रहे हैं. Media today ने इतना सुंदर इतना अच्छा एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जैसा हम हमारे कस्टम को खर्चा करते हैं वैसा प्लांट लाइफ को थोड़ा सा हम खर्चा करें तो हमारा लाइफ बहुत सुंदर बनेगा. आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स B2B कॉन्टैक्ट्स. They are really good for the business promotion, and next time I'll be here with the same size. I'm feeling very happy coming here because it's really very well organized, and I also do flower arrangements in Mumbai in my husband's office, so I've got a lot to learn from here. I think future yahi hai ki hame sustainable farming aur organic farming ki taraf chalna hoga. सबका हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि किस तरह से हम इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री बना पाएँ और उसको सस्टेन कर पाएँ. नेक्स्ट हमारा जो इंडिया का लार्जेस्ट एग्री बिजनेस शो है, उसका नाम है एग्रीटेक इंडिया. वो उसकी 10th एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं बेंगलोर में. ये 31 अगस्त से शुरू होगा, 2 सितंबर तक चलेगा. आइए और देखिए कि किस तरह से आप अपने फार्म को अपनी फार्मिंग बिजनेस में कन्वर्ट करें.